देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स डायरेक्शन। फर्स्ट पॉइंट है जिसमें थ्री केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, थर्ड वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है कि अगर एक चार्ज यहाँ पर है क्यू प्लस क्यू मान लीजिए, अब पर्टिकुलर पॉइंट पर पी पर इस चार्ज के कारण जो कि आर सेपरेशन पर है इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सेकेंड केस सपोज कीजिए कि एक पॉइंट यहाँ पर पी है, एक चार्ज यहाँ पर क्यू वन है जो कि यहाँ से आर वन सेपरेशन पर है, अनदर चार्ज क्यू टू है मल्टीपल चार्जेस के कारण देख रहे हैं जो पर्टिकुलर पॉइंट से पी पॉइंट से आर टू सेपरेशन पर है, ये आर वन सेपरेशन पर है आर टू सेपरेशन पर है, इस प्रकार से बहुत सारे चार्ज है। ये मान लीजिए कि एन एच चार्ज है, क्यू एन है, क्यू एन है जो कि यहाँ से आर एन सेपरेशन पर है। अब ये सबके ऑल चार्जेस के कारण पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो क्यू वन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड ई वन मान लीजिए, क्यू टू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली ई टू, और क्यू एन के कारण रेडियली ई एन, थर्ड के लिए ई थ्री, फोर्थ के लिए ई फोर, क्यू एन के लिए ई एन है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा पर्टिकुलर पॉइंट पी पर और रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस में, इसका डेरिवेशन भी करना है थर्ड पार्ट में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे कि सपोज कीजिए कि ये लीनियर चार्ज, इसमें तीन केसेस पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन कौन से, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों के कारण मतलब कि एक ये लीनियर चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑल चार्जेस के कारण पर्टिकुलर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, ये सबके कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या स्ट्रेंथ होगा ये फाइंड आउट करेंगे, या इसके जगह पर रेक्टेंगुलर सीट होगा। तीनों केसेस में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, थ्री केसेस में लीनियर, थर्ड वाले पार्ट का तीन केस होगा, एक होगा लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड वन क्यूबॉइड के केस में वॉल्यूम के लिए, ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरे के लिए हम लोग थ्री केसेस पढ़ने वाले हैं, ये सब पर चार्ज कितना है पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब इस पर्टिकुलर इस पर चार्ज ये पी पॉइंट पर इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे इस पी पॉइंट पर। सेम ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस पर टोटल चार्ज अगर क्यू है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ और उसका डायरेक्शन क्या होगा रिजल्टेंट का ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सेम केसेस क्यूबॉइड के लिए कि पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा ये हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। क्लियर है, पता चल गया क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में क्या हम लोग पता करते हैं कि जो भी सोर्स चार्ज है उससे पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्ट्रेंथ का मतलब कितना वीक है, अगर पर्टिकुलर चार्ज रीजन में, पर्टिकुलर रीजन में कोई अगर टेस्ट चार्ज इंटर करेगा तो जो सोर्स चार्ज है उसको कितना स्ट्रांगली अपोज करता है या कितना स्ट्रांगली रिपेल करेगा, है ना, सॉरी अट्रैक्ट करेगा, तो अगर रिपेल करेगा स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है।
और अगर बहुत कम रिपेल करेगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या है, कम है। वैसे तुम्हें मान लो कि मैं धक्का दे रहा हूँ और तुम्हें आकर के एक बॉडी बिल्डर खाली तुमको धक्का दे दे, समझ रहे हो दोनों में अंतर होगा। खाली जो आपको धक्का देगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, वो प्यार से धक्का नहीं देगा, एक्चुअल में पुश करेगा तो ज़्यादा आपको लगेगा, चूँकि वो क्या है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा शक्तिशाली। वही है कि अगर सोर्स चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो अनदर टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा रिपेल करेगा, और सोर्स चार्ज अगर वीक होगा उतने ज़्यादा कूलम्ब का नहीं होगा तो क्या होगा, वीकली रिपेल करेगा। क्लियर है? क्या डिस्कस करने वाले हैं पता चल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच मेजर्स द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, कितना स्ट्रांग है, एंड इट्स डायरेक्शन। अब ये जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्री केसेस, कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल चार्ज के कारण, सेकेंड वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, थर्ड वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कितने केसेस, थ्री केसेस, कौन कौन से, फर्स्ट वन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, सेकेंड वन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, थर्ड वन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो जितना भी हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़े हैं सबका एक ग्राफ माइंड में रहना चाहिए, उसको बार बार रीड करना है, नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जो आपको पढ़ाया गया है बार बार उसी को पढ़िए, जो भी ज़रूरत आ रहा है पीछे विजुअलाइज कीजिए कि अच्छा हमने ये पढ़ा था, आगे का टॉपिक क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। क्लियर है? अब एक केसेस में बता देता हूँ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फिर अगला टॉपिक करेंगे। फर्स्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सपोज कीजिए कि यहाँ पर प्लस क्यू एक पॉइंट चार्ज है, अब इस पॉइंट चार्ज के कारण पर्टिकुलर पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो कि आर सेपरेशन पर है, डॉट डॉट से दे दो इसको, ज़्यादा बेटर होगा, आर सेपरेशन पर है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है ऑल डायरेक्शन में, तो हमें ऑल डायरेक्शन से इधर भी होगा ऑल डायरेक्शन में होगा। इनफैक्ट हमें क्या करना है, ऑल डायरेक्शन से मतलब नहीं है, जो जिस पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है, जो जहाँ पर ये सोर्स चार्ज है इससे रेडियली हम लोग आउटवर्ड डायरेक्शन से मतलब है, इससे लेना देना है, बाकी से हमें लेना देना नहीं है। इधर कितना रिपेल करेगा उससे मतलब नहीं है, एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज को कितना रिपेल करेगा कौन से डायरेक्शन में, इसके लिए डिस्कस करेंगे। इस केस में कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यही दे देता हूँ, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या देंगे आर कैप, ये वेक्टर के फॉर्म, ये जो हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें वेक्टर के फॉर्म में अगर फाइल लिखना है तो क्या करेंगे, ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ क्या दे देंगे आर कैप। अनदर फॉर्म में भी हमें अगर देखना है, अब यूनिट वेक्टर आप पढ़ चुके हैं, यूनिट वेक्टर आर कैप का वैल्यू क्या होगा, वेक्टर आर डिवाइडेड बाई वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, यानी सिंपल आप कह सकते हो, सॉरी, आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन आर, इस फॉर्म में। अब यहाँ पर हम लोग आर कैप के जगह पर क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू देयरफॉर ई इक्वल्स टू
वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी आर कैप के जगह पर, आर कैप के जगह पर हम लोग ये वैल्यू दे सकते हैं वेक्टर आर अपॉन वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम लोग लिख दें वेक्टर आर अपॉन आर। अब ये वैल्यू कितने हो जाएंगे, ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर पर पावर वन। दोनों का बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएगा, आर क्यूब और ये वेक्टर आर। इस फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा समटाइम्स, तीनों फॉर्म में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। क्लियर है ना, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर सोर्स चार्ज को स्मॉल क्यू मानेंगे तो स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। जो आपने सोर्स चार्ज को लेट कर लिया, स्मॉल क्यू लेट करोगे तो स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू लेट करोगे तो कैपिटल क्यू। उसके बाद इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेक्टर का सिंबल, इसमें क्या लगा देंगे, आर कैप। अभी आर कैप है, इसको अनदर फॉर्म में लिखना है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर आर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड, या आर अपॉन आर लिखेंगे तो आर कैप के जगह पर पुट करेंगे वेक्टर। ये दोनों में डिफरेंस है, समझिए। अगर आर कैप है ये गिवन है, इसका मतलब वेक्टर आर की बात किया जा रहा है, और अगर आर सॉरी वेक्टर आर, ये आर कैप अगर गिवन है, ये दोनों में अंतर समझिए। ये वेक्टर आर है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड वन है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो दोनों अलग अलग सिंबल है। ये वेक्टर आर की बात किया जा रहा है, ये यूनिट वेक्टर की बात किया जा रहा था। यहाँ जो हमने लगाया है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर से वेक्टर आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, वेक्टर आर अपॉन आर के मैग्नीट्यूड इसमें क्या करना होगा, आर कैप के जगह पर पुट करना होगा। अब दोनों का बेस कितना हो गया, आर क्यूब, तो ई इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यू और आर वेक्टर आर। कन्फ्यूज नहीं करना है, कैसे बहुत जगह पर क्यू अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है आपको, कहीं कहीं क्यू अपॉन आर स्क्वायर आपको मिलेगा। तो लो यह कि सर एक जगह तो आर स्क्वायर है, एक जगह पर आर क्यूब है, तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन में देखिए, यहाँ अगर आर क्यूब है तो यहाँ पर क्या है, वेक्टर आर, और यहाँ पर अगर आर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर आर है और ये यूनिट वेक्टर है, कन्फ्यूजन दूर। सेकेंड वन अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस।